दोस्तों वैसे तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में हर साल कुछ ऐसे सिंगर्स की एंट्री होती है जो कुछ ही समय में काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं और इनके गानों को लाखों लोगों के द्वारा सुना भी जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे सिंगर्स हुए हैं जिनके गानों ने दशकों तक लोगों को एंटरटेन और आकर्षित किया है। और उन्हीं कुछ गिने चुने नामों में से एक नाम है लता मंगेशकर का, जो आज हमारे बीच नहीं रही। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की पूरी जिंदगी और म्यूजिकल करियर के बारे में जानने वाले हैं। तो अपने एवरग्रीन सॉन्ग्स, गॉड गिफ्टेड वॉइस और लता मंगेशकर के नाम से प्रसिद्ध हेमा मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट इंदौर में हुआ था, जो आज मॉडर्न इंडिया के मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर नाट्य संगीत म्यूजिशियन और क्लासिकल वोकलिस्ट होने के साथ साथ एक वेल नोन मराठी थिएटर एक्टर थे, जिसकी वजह से परफॉर्मिंग आर्ट से लता मंगेशकर का लगाव होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि ये जेनेटिकली म्यूजिक और आर्ट से जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इनकी माँ का नाम सुधामती था, जो कि पंडित दीनानाथ की सेकंड वाइफ थी। 1929 में जब इनका जन्म हुआ तो शुरू में इनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन फिर बाद में लतिका नाम के एक फीमेल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर इनका नाम लता रख दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इनका सरनेम मंगेशकर अडॉप्ट किया गया है इनकी फैमिली के नेटिव टाउन मंगेशी से। लता के अंदर गॉड गिफ्टेड म्यूजिक का टैलेंट तो था ही, पर इसके अलावा बचपन से ही उन्हें प्राइमरी एजुकेशन के बजाय म्यूजिक की ट्रेनिंग दी गई थी। करीब 5 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक म्यूजिकल प्ले में हिस्सा लिया था, जब उन्हें अपने पिता के संगीत नाटक में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले करने का मौका मिला, जो इनकी जिंदगी का फर्स्ट म्यूजिकल शो एक्सपीरियंस था। उसके बाद बड़े होते हुए अपने पिता के साथ कई म्यूजिकल शोज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी परफॉर्मेंसेस के एक्सपीरियंसेस से उन्होंने अपने टैलेंट को और निखारा। अब तक इनकी जिंदगी और म्यूजिकल करियर में सब कुछ सही चल रहा था, पर साल 1942 में जब लता केवल 13 वर्ष की थी, तब इनके पिता का अचानक से हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया, जिन्होंने अब तक इन्हें म्यूजिक और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के लिए ट्रेन किया था। तो अब अपने पिता की मृत्यु के बाद म्यूजिक को लेकर आगे जा पाना इनके लिए काफी कठिन होने वाला था, लेकिन इनकी मुश्किल की इस घड़ी में इनका साथ दिया विनायक दामोदर कर्नाटकी ने, जो 1930s और 1940s की फेमस इंडियन एक्टर और फिल्म डायरेक्टर थे और मंगेशकर फैमिली के काफी क्लोज भी थे। और इन्हीं के पूरे सपोर्ट की वजह से साल 1942 में महज 13 वर्ष की उम्र में लता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करी और कीर्ति हसाल मूवी के लिए इन्होंने नाचू या गाड़े खेलू सारी मानी हौस भरी नाम के 2 गाने गाए। इसके अलावा इसी साल इन्होंने पहली मंगला गौर नामक एक मराठी मूवी में भी एक्टिंग करने का काम किया और इसी मूवी के लिए एक मराठी गाना भी गाया। और फिर साल 1943 में इन्होंने पहली बार गजाबाहु मूवी के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू टाइटल वाला पहला हिंदी गाना गाया। उसके बाद अपने करियर को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए लता मुंबई चली गई, जहां उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। और इसी क्रम में साल 1946 में उन्होंने आपकी सेवा में टाइटल वाली हिंदी मूवी के लिए पा लगू कर जोरी सॉन्ग गाया। इसके अलावा उन्होंने विनायक दामोदर कर्नाटकी के कुछ मूवीज में भी काम किया, पर अचानक साल 1948 में विनायक कर्नाटकी की भी डेथ हो गई। लेकिन अब तक लता मंगेशकर आत्मविश्वास की उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां से उन्हें रोक पाना असंभव था। खैर, विनायक की मृत्यु के बाद इन्होंने मास्टर गुलाम हैदर की मेंटोरशिप में काम करना शुरू किया और इसके बाद इनके करियर ने सफलता की ओर अपना रुख मोड़ लिया, क्योंकि साल 1948 की फिल्म मजबूर के लिए जब इन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाना गाया तो वो सॉन्ग खूब पॉपुलर हुआ और लता के करियर के लिए ये एक ब्रेक थ्रू बना। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गुलाम हैदर को, जिसके बारे में जिक्र करते हुए सितंबर 2013 में इन्होंने कहा था कि गुलाम हैदर इज ट्रूली माय गॉडफादर। He was my first music director who showed complete faith in my talent. उसके बाद फिर साल 1949 में महल मूवी के लिए इनके द्वारा गाया जाने वाला गाना आएगा आने वाला भी बहुत हिट हुआ और इसके बाद तो मानो इनके हर गाने का हिट होना निश्चित था, जिसकी वजह से हर फिल्म में ही इनके गानों की डिमांड आने लगी, जिसकी वजह से 1950 से लेकर 2010 तक इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने गाने दिए, जैसे कि दीदार, अमर, मदर इंडिया, देवदास, मुगले आजम, आए दिन बहार के, हिंदुस्तान की कसम। और इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें लता मंगेशकर के गानों ने जान डालने का काम किया है। और अपने इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। और इसके अलावा साल 2001 में उन्हें इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न और 1989 में इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक लेजेंडरी सिंगर होने के अलावा लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थी, जिन्होंने सुपरहिट सॉन्ग्स का निर्देशन किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर हाल ही में 8 जनवरी 2022 को वो कोविड पॉजिटिव पाई गई, जिसके चलते उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया गया। और करीब 28 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
और कुछ इसी तरह इस देश ने अपनी सबसे प्रिय गायक को खो दिया। दोस्तों यही थी कहानी लता मंगेशकर की। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।